मध्य प्रदेश में मतदान के बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने नरसिंहपुर और टिमरेनी विधानसभा में निर्वाचन अधिकारी और कांग्रेस नेताओं के दबाव में चुनाव प्रभावित करने की शिकायत की है और पुनः मतदान कराने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि नरसिंहपुर विधानसभा के 43 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर निर्वाचन अधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मिली भगत से कम मतदान हुआ है। टिमरनी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी अभिजीत शाह उसके साथियों द्वारा मतदान दल को रोकने का प्रयास किया गया। कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने चुनाव को निर्वाचन अधिकारियों के साथ मिलकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। मतदाताओं को मतदान करने के अधिकारों से वंचित रखा गया, इसलिए बीजेपी का कहना है कि नरसिंहपुर और टिमरनी में पुनः मतदान होना चाहिए। शिकायत की है निर्वाचन आयोग में आप लोग ने? और देखिए, नरसिंहपुर और टिमरनी जैसी कई विधानसभा सीटों पर हमने देखा है कि निर्वाचन अधिकारियों ने जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन होती हैं उनका पालन नहीं किया, और स्वाभाविक तौर पर कई जगह पर कांग्रेस प्रत्याशियों के दबाव में उन्होंने प्रक्रिया को अवरुद्ध करते हुए नियम के विपरीत कार्य किए। हमने देखा कि मतदान केंद्रों के बीच में जो दूरी होनी चाहिए 2 किलोमीटर की, उससे ज़्यादा दूरी पर मतदान केंद्र बनाए गए, जिससे बड़ी संख्या में लोग अपने मत के अधिकार से वंचित हो गए। साथ ही साथ कांग्रेस के कई प्रत्याशियों ने मतदान कर्मियों को रोकने का भी प्रयास किया, डराने धमकाने जैसी गतिविधियाँ हुई, और इस प्रकार से पूरे मतदान को दूषित करने का काम कांग्रेस और उसके समर्थकों के द्वारा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम स्थानों पर इस बात की मांग की है कि वहां पर पुनः मतदान कराया जाए, ताकि लोकतंत्र के ऊपर जो लोगों की आस्था है वह पूरी तरीके से कायम रहे। और स्वाभाविक तौर पर हमने चुनाव के दौरान भी इन तमाम चीजों को प्रशासन के सामने रखा था, लेकिन उस पर हमारी आपत्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसी स्थिति में हमने पुनः से अपने एक प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से ज्ञापन सौंप करके इन तमाम स्थलों पर पुनः से मतदान कराए जाने की मांग की है। हालांकि कांग्रेस भाजपा के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। उनका कहना है कि राज्य में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनाव आयोग उनके अधीन है, उसके बाद भी कांग्रेस पर इस तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का आरोप लगाना ये सिद्ध करता है कि वो उन्होंने हार स्वीकार कर ली। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि सरकार उनकी प्रदेश में है, सरकार उनकी देश में है, निर्वाचन आयोग उनके हिसाब से उनके इशारों पर काम करता रहा। और मैं कहूँगा कम मतदान की बात, तो राजधानी भोपाल की अगर बात करो, यहाँ भी मतदान कम हुआ है, क्योंकि पिछले की तुलना में इस बार 18 वर्ष की आयु के मतदाता बढ़े हुए हैं, लेकिन पोलिंग बूथ नहीं बढ़ाए हैं। सब पोलिंग बूथ अगर बना लेती निर्वाचन आयोग तो निश्चित रूप से वोटिंग और ज़्यादा होती। कमलनाथ जी की जो 150 प्लस सीटों की बात मैं कर रहा हूँ, 150 प्लस से भी ज़्यादा सीटें कमलनाथ जी की आती। मतदान कराने की बात कर रहे हैं ये, मैं समझता हूँ पुनर्मतदान इतना वक्त हो जाने के बाद उनने हारने की अपनी समीक्षा कर ली होगी, इसलिए पुनर्मतदान की बात करने लगे हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसलिए अब अपनी हार की ठीकरा सरकार पर या पार्टी की व्यवस्था पर थोपने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इससे पहले भिंड की अटैर सीट के किशुपुरा में भी पुनः मतदान हुआ था।